हेलो गाइस, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं जावा 42 बॉबर जो कि ली गई है इस दिवाली के धनतेरस के एक दिन पहले, जो कि फ्राइडे को। डेट मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो गाइस, इसके पहले मैं हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड ली थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वेट था जो मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इसको कैरी नहीं कर पा रहा था, और उसमें कुछ ज़्यादा हीटिंग इशूज़ थी और हैवी सी सी गाड़ी किसी फ्रेंड को देने में वो कॉन्फिडेंट आता नहीं था। तो उसको सेल आउट करके फिर मैंने काफ़ी दिनों बाद ये गाड़ी मैंने प्लान की। जब ये लॉन्च हुई तो उसी समय मैंने बुक करा दी थी, तो अब ये गाड़ी मेरे पास आ गई है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एसेसरीज़ क्या क्या लगाई, क्या क्या कॉस्टिंग हुई पड़ी मेरी गाड़ी की, एक शोरूम ऑन रोड। तो गाइस, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस पड़ी जो पड़ी है 2,53,680 रुपये, और लेग गार्ड लगा के 2,56,000 अप्रोक्स पड़ी है। कंपनी में ज़्यादा कुछ एसेसरीज था नहीं, नई बाइक थी, नया मॉडल था, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा एसेसरीज था नहीं। उनके पास लेग गार्ड सिर्फ ये बटरफ्लाई वाला लेग गार्ड था, जो कि ये एक्चुअल में ये लेग गार्ड पेराक का है। जब मैं यहाँ पे फुटरेस्ट पे पैर रख के जब गियर दाबता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा पैर लड़ता है हल्का फुल्का। तो खैर, ये मैनेजेबल है, मैं तो मैनेज कर लूँगा, बाकियों का तो पता नहीं। और तो उसके पास एक फुट रेस्ट था तो मैंने लगवा लिया, क्योंकि मुझे सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बाइक के लिए और मेरे लिए भी। और फिर आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ मैंने लगाई है। अब ये रेडिएटर पे ग्रिल देख रहे होंगे आप, रेडिएटर ग्रिल कवर, ये मैंने अमेजन से परचेज़ की है, तो मैंने खुद ये फिटिंग किया है, सेल्फ फिटेड है ये। और फिर यहाँ पे एक गियर ऑयल कवर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एसएस में भी है, ये एसएस में है। और ये इंजन रेडिएटर ग्रिल कवर भी एसएस में ही है। इसके बाद मैंने लगाया है फेंडर का रबड़ बीडिंग, ये नहीं था इसमें, इसमें सिर्फ फ्रंट पे दिया था जो कि यहाँ पे था। ये मैंने अमेजन से मंगाया था क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही पड़ा था, क्योंकि गाड़ियों के डोर्स पे मैं ये बीडिंग लगा के रखता हूँ, कॉर्नर्स पे, एजेस पे। और उसके बाद ये सीट, इसके साथ डिफरेंट सीट आती है, ये सीट पेराक की सीट है, तो मैंने इसमें फिटिंग करवाई है ये वाली, क्योंकि मुझे सीट ज़्यादा अच्छी लगती है। पीछे टेल लाइट है, इसमें भी लाइट है, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने फिटिंग कराई थी। और तीसरा चीज़ आ गया ये फ्यूल टैंक टाई, इसको टाई बोलते हैं, जो कि डाउटफुल था, मुझे लग नहीं रहा था ये पेराक का था, मुझे नहीं लग रहा था इस पर फिटिंग आएगी कैसी आएगी, लेकिन ठीक है, एक अच्छा गेटअप दिख रहा है, अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और गाइड नेक्स्ट एसेसरीज मैंने प्लान किया है जो कि है सैडल स्टे। मान लो कभी मैं टूर पे गया और कहीं मैं इस पे डिक्की तो फिट हो नहीं सकती, तो साइड में एक बैग लगाना चाहता हूँ जिसमें कुछ भी सामान या स्पेयर्स आइटम कुछ भी रख लिया चला गया, तो इसमें कहीं है नहीं बैग ऐसा, तो यहाँ पे मैं बैग लगाना चाह रहा हूँ इस साइड का। लेकिन इस साइड बैग लगाने से पहले मुझे ये एरिया एक ग्रिल कवर से पैक करना पड़ेगा, तब जाके इस पे अच्छा गेटअप बैठेगा बैग का दोनों साइड, जो कि सैडल स्टे के नाम से कहा आता है। उस सैडल स्टे के साथ इस फेंडर पे एक कैरियर आएगा जो कि काफ़ी बढ़िया लुक आएगा उसको लगाने के बाद। वो कहते हैं ना वॉरियर्स व्हीकल, तो वाली उसमें गेटअप आएगी। कैसी लग रही है बाइक आप ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।